एयर इंडिया से, जो कि टाटा के बाद मेरी सबसे लॉन्गेस्ट एयर इंडिया की जर्नी है। तो हमको मिले हैं ये छोले, साथ में ये समोसे हैं। जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन यहाँ से ऐसे घूम के जाती है। मैंने लिया है कॉफ़ी। तो आज है 21st of June और मैं हूँ डिब्रूगढ़ में। लास्ट 3-4 दिन क्या हुआ तो ये आपको मालूम चल जाएगा हैरीज पे। और आपको हैरीज पे अगर वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ डिब्रूगढ़ में और हम जा रहे हैं दिल्ली एयर इंडिया से, जो कि टाटा के बाद मेरी सबसे लॉन्गेस्ट एयर इंडिया की जर्नी है दिल्ली के लिए, लगभग 5 घंटे। तो ये है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट और अभी हो रहे हैं सुबह के 6। यहाँ पे सनराइज देखो, इतना प्यारा सनराइज हो रहा है अभी। यहाँ सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, 4 बजे यहाँ पे उजाला हो गया था। मैं निकला 5 बजे होटल से। अब चलते हैं अंदर, चेक इन करते हैं, फिर बाकी की बातें मैं आपसे अंदर जाके करूँगा। मेरी फ्लाइट है 8 बजे की। ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हो ना, मनी करना, तो 2 साल पहले जब मैं डिब्रूगढ़ आया था, मैंने बताया था आपको, वो कहानी बताई होगी मैंने हैरीज पे बताई होगी, हैरीज को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब बहुत कुछ मैं हैरीज में बताता हूँ। तो 2 साल पहले आया था ना, तो ये जो था बंद था, दो तीन घंटे वेट किया कि भाई ये कब खुलेगा। मैं 2 साल बताया हूँ तो अभी खुला हुआ है। सोच रहा हूँ मैं रेडबुल ले लूँ यहाँ से, बिकॉज 5 घंटे की मेरी जर्नी होने वाली है दिल्ली की, मतलब बहुत लंबी जर्नी होने वाली है 5-6 घंटे की। 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, कल सुबह निकलने वाला था निकल नहीं पाया, परसों भी निकलने वाला था निकल नहीं पाया, तो बहुत ज़्यादा नींद में हूँ मैं, ठीक है। और चंडीगढ़ में पहुँचूंगा, रात में पहुँचूंगा मैं अराउंड 8 बजे, नींद ना आए पहले ही। तो सामान वामान रख दिया हमने, अभी कह रहे हैं कि हमको वेट करना पड़ेगा, करते हैं वेट। वैसे तो आई थिंक अलाउ कर देना चाहिए। 4 दिन लगातार ट्राई करने के बाद अब मैं फाइनली निकल रहा हूँ वापस। 4 दिन मैंने यहाँ बिताए हैं ये सोच के कि भाई नेक्स्ट डे टिकट मिल जाएगी, नेक्स्ट डे टिकट मिल जाएगी, मतलब मुझे व्लॉग करना था, ऑफकोर्स नहीं कर पाया, जो होता है। और स्पेशली मैं आया था बिलीव, जो हैरीज व्लॉग से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप नया देख रहे हो वीडियो पहली बार, तो हाँ आप समझ नहीं पा रहे हो। तो एंट्री करते हैं, फाइनली एयरपोर्ट एंटर कर चुके हैं। तो ये है एयर इंडिया का काउंटर, ये रहा एयर इंडिया का काउंटर, उसके बगल में फ्लाई बिग का काउंटर है। मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस था फ्लाई बिग के साथ, गाइस जबरन में पैसे लूटे थे उन्होंने, जबरन। अभी बैग ड्रॉप करते हैं। बाय द वे, अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो 25 किलो तक आप डाल सकते हो पीछे, हाथ में कैरी कर सकते हो 7 किलो, ठीक है। तो 25 किलो की मतलब टेंशन नहीं है। अब क्या होता है, बाकी एयरलाइन में ट्रैवल करो ना, उसमें बहुत टेंशनें रहती हैं भाई, 15 किलो से ऊपर ना हो जाए। तो इसलिए मेरा सामान ज़्यादा था, तो मेरा था कि भाई एक बार मैं एयर इंडिया बुक कर लूँगा तो फायदे में रहूँगा। अगर कोई दूसरी एयरलाइन बुक करोगे, नाम नहीं ले रहा मैं, वसूली तो वो छोड़ेंगे नहीं आपसे, जबरदस्ती भले आपको सस्ती टिकट दे देंगे, लेकिन उसके बाद जो लूटेंगे ना वो भूल जाओगे। तो ये दोनों मिला के मेरे हो रहे हैं 19 किलो। तो मतलब अगर मैं ट्रैवल करता तो समझ लो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते, 3,000 रुपये बच गया भाई। एयर इंडिया का ये तो फायदा है, कस्टम से बहुत फायदा है। अब सर्विसेज देखते हैं। और हाँ, मील्स इंक्लूडेड है मेरी टिकट में, मील्स इंक्लूडेड है। मील्स कैसी होगी, कैसा टेस्ट होगा, सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने वाला है। तो यहाँ पे एक बार चेक इन करा दूंगा, सीधा दिल्ली में लूंगा, स्ट्रेट टू दिल्ली। तो मैं एयरपोर्ट पर शायद कुछ ना खाऊं, अगर मील्स हैं तो दो मील्स है। बाय द वे, डिब्रूगढ़ से कोलकाता के बीच में भी है, कोलकाता में 45 मिनट्स का लेओवर, उसके बाद आगे फिर मील्स इंक्लूडेड है, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मिलेगा। ये रहे हमारे बोर्डिंग पास। मसला ये हुआ है कि यहाँ से कोलकाता तक तो मुझे मिल गई है विंडो सीट, लेकिन कोलकाता से दिल्ली की विंडो सीट मुझे नहीं मिली है। और उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि प्लीज मुझे एडजस्ट कर लो। पता नहीं क्यों नहीं मिली है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला प्लीज कर दो, 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज बोल रहे थे कि लगेगा। मैंने बोला 500 रुपये क्यों दूंगा, 11,000 की टिकट है यार। हाँ बाय द वे, 11,000 से याद आया, टिकट का प्राइस 11,000 है। मैंने बोला 11,000 में ऑलरेडी दिए हैं, अब और कितना चूसोगे यार किसी को। बस अभी तो यही है, मैं क्या बोलूँ इसमें, नो कमेंट। तो विंडो सीट नहीं मिली है कोलकाता से दिल्ली, क्यों नहीं मिली है, बिकॉज आई थिंक इनके सिस्टम वगैरह चेंज थोड़े बहुत हुए हैं, टाटा टेक ओवर के बाद कुछ सिस्टम चेंज हुए हैं। यहाँ से दे कांट कंट्रोल, कोलकाता से देखेंगे अगर खाली हुआ तो शायद हाँ ले लूंगा। तो अभी मखाने मिले, तो चेक इन होगा, सिक्योरिटी चेक इन होगा, वो यहाँ से होगा, ठीक है, वहाँ से अंदर जाएंगे। तो अभी खुला नहीं है, इतना बैक टू बैक ट्रैवल हो जाता है, आप देख ही रहे हो 30 के 30 दिन। सारी शॉपिंग करता हूँ अमेजोन से, इनफैक्ट ये टी शर्ट मैंने ली है अमेजोन से, और आप जितनी भी टी शर्ट देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, सारा मेरा समर एंड सेल पे खरीदा गया है, आप भी चाहो तो खरीद सकते हो। मैं प्लेन सिंपल टी शर्ट पहनता हूँ, आपको पता है, सिंपल लगती हैं, कूल लगती हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस मुझे मिली हैं, टाइमली डिलीवरी, टॉप नॉच क्वालिटी एंड द फिटिंग, जो दिखता है वही मिलता है, समझ रहे हो, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, खरीद डालो, जितना मन करे खरीद डालो, अपने लिए अपने परिवार के लिए। सिक्योरिटी चेक इन करता हूँ, आपसे सीधा अंदर जाके मिलता हूँ, मतलब जब हम बोर्ड करने लगेंगे ना फ्लाइट को तब मिलता हूँ, तब तक इसको एंजॉय करता हूँ, साथ में रेड बुल पीऊंगा। चेक इन वगैरह हो गया है, सिक्योरिटी चेक
चेक कंप्लीट, बैग एग दे दिया है एंड आई थिंक सो कोलकाता में हमें उतरना नहीं पड़ेगा, आई थिंक सो अंदर ही बैठे रहेंगे। अच्छा ही है, सामान तो मेरा ख्याल दिल्ली में मिलेगा मुझे। तो ये है हमारा गेट, जितने की आपको कॉफी मिलेगी उतने की हमने रेडबुल लिया है। यहाँ पे कॉफी का रेट है 120 रुपए और रेडबुल कितने की पी, 120 रुपए की। तो भैया सही कह रहे थे, बेटे बाहर मिल रही है ले ले, अंदर जाएगा फंसेगा। तो अच्छा ही हुआ मैंने ले ली। फोल्ड कॉफी भी मिल रही थी लेकिन वो 400 रुपए की थी, तो ना बाबा ना, वैसी फटका लगा इतना बुरा, और ऐसे मैं नहीं कर सकता, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। फाइनली एंटरिंग द एयरक्राफ्ट, बड़ा वाला प्लेन है, छोटा वाला नहीं है। कोलकाता में पहुंचेंगे 1.5 घंटे में, दिल्ली पहुंचेंगे आगे 3 घंटे। एयर इंडिया के प्लेन्स ना वॉकवेज मिल जाएंगे सीधा सीधा एयरक्राफ्ट के अंदर, ज़्यादातर केसेस में एयर इंडिया के प्लेन्स में। बाकी प्लेन्स में आपको बसेस से लेके जाएंगे लेकिन इसमें आपको प्रायोरिटी मिलती है, ये एक अच्छी चीज़ है। ये है बिजनेस क्लास, काफ़ी महंगी सीट्स हैं, मतलब अगर इकोनॉमी 11,000 की आई है तो ये 50,000 की तो पक्का होगी। फाइनली अब एंटर द एयरक्राफ्ट, धुआं धुआं छाया हुआ है हर जगह, शायद ये क्यों होता है एक्चुअली इतना धुआं, तो आप मुझे ना कमेंट करके बताना इसका रीज़न क्या है, कमेंट करके बताना। अभी मैंने मैम से पूछा था तो वो कह रही हैं कि एयरक्राफ्ट चेंज होगा कोलकाता में, तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, हम पहुँचेंगे 9:30 बजे कोलकाता और अगली फ्लाइट की जो बोर्डिंग है वो है 9:30 को, तो भाई इतनी जल्दी मैं कैसे चेंज करूंगा सब कुछ, ये मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा था कि जो एयरक्राफ्ट है वो चेंज नहीं होगा लेकिन ये कह रही है चेंज होगा। 45 मिनट्स का लेओवर है और पता नहीं कैसे करूंगा मैनेज, कैसे इन्होंने टाइम सेट किया है मुझे नहीं पता, तो जैसा भी है देखेंगे भाई पूरा। अगर बात करूँ इंटीरियर की, देखो यहाँ पे इन्होंने ट्रे टेबल दिया हुआ है जो भी शायद ब्रेकफास्ट वगैरह मिलेगा, तो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। यहाँ पे ये है सीट बेल्ट, इसको भी लगा लेंगे अपन थोड़ी देर में, और अभी तक तो फिलहाल ये खाली है, फिलहाल तो यहाँ पे अभी तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये सब दिया हुआ है सेफ्टी मेजर्स, बाय चांस यूज करने पड़े कभी तो भगवान ना करे कभी किसी को इसको यूज करना पड़े, सब चीजें दी हैं ठीक है। इसके अलावा ये जो शीशे हैं फिलहाल गंदे हैं, आई होप थोड़े साफ हो जाए अच्छा रहेगा। मास्क इम्पोर्टेंट है ठीक है, मास्क इज मैंडेटरी अगेन, तो मास्क पहन के रहना। तो मेरे को कोई जगह नहीं मिली बोर्डिंग पास रखने की तो मैंने यहाँ टंगा दिए। यहाँ से गर्मी बहुत आ रही है, धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको मैं बंद कर लूँगा लेकिन अभी बंद नहीं कर सकता बिकॉज टेक ऑफ के वक्त इसको खोलना पड़ेगा। बाय द वे हमको स्नैक्स वगैरह मिलेंगे, जो भी मिलता है ब्रेकफास्ट वगैरह वो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी नींद भी आ रही है, अभी ये शीशा भी साफ हो गया है, पहले बहुत गंदा शीशा था। एयर डक्ट्स दिए हैं ये, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो हवा आने लगेगी, ऐसे करूंगा तो बंद हो जाएगी। और वहाँ पे लैंप्स भी दिए हैं, हीटिंग लैंप्स भी दिए हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। उसमें वो बंदा बना है ना ब्लू कलर का, उसको प्रेस करोगे तो एयर होस्टेस जाएगी। वो सीट बेल्ट का साइन ऑन है, मतलब पहन लो, बंद है मतलब निकाल लो, लेकिन तो कॉमन चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ, एयर इंडिया की जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो सारी की सारी मतलब ज़्यादातर तो पुरानी है, मतलब एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, पुराने एयरक्राफ्ट से हैं। हाँ सर्विसेज इनकी इंप्रूव शायद हुई हैं, बिकॉज जो काउंटर पर बंदा था उसने थोड़ा पोलाइटली बात की मुझसे, अच्छे से बात की। पिछली बार तो भाई इसे पता नहीं अलग रूट थे। पहले ट्राई करते हैं सैंडविच से, दिखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, बॉक्स के अंदर दो दो सैंडविच है और सैंडविच जूस। तो हमको सैंडविच मिल गया नॉर्मल, वरना तो हमको कुछ ज़्यादा मिलता था। कोलकाता दिल्ली वाली होगी ना उसमें हमको लंच मिलेगा, तो एक बार बताऊँ मैं आपको, एक बार मैंने लंच किया था दिल्ली मुंबई वाली फ्लाइट में, मुंबई दिल्ली वाली फ्लाइट, भाई प्रॉपर उन्होंने टिक्के शिक्के दिए थे, आई रिमेम्बर यार क्या गजब खाना था। लेट्स सी कोलकाता दिल्ली में क्या देते हैं लंच में। अभी तक ये सैंडविच काफ़ी बढ़िया है, गुड रेट अराउंड 9.5/100, काफ़ी टेस्टी है। और ब्राउन ब्रेड में, आई नो ब्राउन ब्रेड में भी वाइट ब्रेड होती है, मतलब मैदा तो होता ही है, मतलब हाँ थोड़ी तो हेल्दी होती है। देखो यहाँ पे हैं हम लोग, जहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये है कोलकाता, ये है हम, तो ये देख सकते हो काफ़ी दूर है, अराउंड एरियल डिस्टेंस है अराउंड 1000 किलोमीटर्स का डिब्रूगढ़ टू कोलकाता। इनकी सीट जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती हैं। कनेक्ट कर रहे हैं
भाई जल्दी कनेक्ट करो यार, 9:30 तो मेरी बोर्डिंग है अभी वाली फ्लाइट की और अभी 9:30 हो रहा है। फाइनली वी हैव रीच्ड कोलकाता। अफर वापस चेक इन करते हैं बिकॉज ऑलरेडी 9:30 हो रहा है। हमको वापस चेक इन नहीं करना पड़ा एक्चुअली, इन्होंने बोल दिया कि भाई अलग खड़े हो जाओ, मतलब हम निकल रहे थे तो इन्होंने बोला अलग हो जाओ। तो आई थिंक डायरेक्टली हम पहुंचेंगे सीधा फ्लाइट में, आई थिंक सो। ऐसे भी बोर्डिंग तो स्टार्ट हो गई होगी, मतलब दिल्ली वाली फ्लाइट है। तो हम जा रहे हैं डोमेस्टिक ट्रांसफर्स। आई थिंक इनका टाइमिंग यार, टाइमिंग गैप काफ़ी कम है, आई थिंक 45 मिनट्स बहुत ही कम होता है। अब बैठता हूँ फ्लाइट के अंदर, मैं आपसे मिलता हूँ बिकॉज अभी चेक इन शायद करना पड़ेगा, बैग वैग निकालना पड़ेगा सब कुछ। जी सब कुछ क्लियर, अब जा रहे हैं गेट नंबर 60, यहाँ से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया हूँ, फिर चला गया था रीचेक के लिए, मतलब दो बार गया रीचेक के लिए क्योंकि चार्जर वगैरह जो है अंदर छूट गया था। एंड मैंने लिया ये किटकैट, पीनट बटर वाली किटकैट, इसको थोड़ा बहुत खाएँगे, अभी तक तो सब ठीक ही है। बाकी मैं कुछ खा पी नहीं रहा यहाँ से, टेंस नहीं है अब क्योंकि रिव्यू करना है, तो देखेंगे भाई अंदर क्या क्या मिल रहा है क्या क्या नहीं। कोलकाता का एयरपोर्ट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है यहाँ का। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, टाटा टेक ओवर के बाद जो एयर होस्टेस की मतलब जो यूनिफॉर्म है वो चेंज हुई है, मतलब वो थोड़ी सी डार्क रेड हो गई है, अभी थोड़े कम रूड लग रहे हैं मुझे, पहले से बेटर लग रहे हैं फॉर सम रीज़न। ठीक है, इस वाले सेक्टर में कोलकाता दिल्ली में हमको मिलेगा लंच, और लंच कैसा होता है ठीक है, और लंच होता है ताज साज का, तो केटरिंग होती है ताज की, तो खाना मतलब यूजली तो अच्छा ही मिलेगा, पर अभी देखते हैं कैसा मिलता है कैसा नहीं। फाइनली बैठ गया हूँ मैं, मेरी है 13B लेकिन मैं बैठा हूँ 30F में। कोशिश करता हूँ अगर यहाँ पे कोई आया नहीं, जो सीट खाली थी, कोई नहीं आया तो अच्छी बात है, वरना चले जाऊँगा 13B। सो फार सो अमेजिंग, अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और जो आगे उन्होंने ग्रीट किया है ओ बॉस, एक नंबर ग्रीटिंग थी वो, अच्छा मतलब चेंजेस लग रहे हैं, चेंजेस लग रहे हैं। लेग स्पेस तो मानना पड़ेगा, एक नंबर लेग स्पेस है इनका। लंच और ब्रंच बीच का, और लंच एंड ब्रंच इज हियर। तो हमको मिले हैं ये छोले मिले हैं, साथ में ये समोसे हैं, छोले हैं समोसे हैं, ये है सैंडविच ठीक है, ये है ब्राउन ब्रेड का, आई नो ये भी मैदा है, मुझे पता है, मुझे कमेंट में ये मत लिखना। ये है केक और इसमें शायद हमारी टी एंड कॉफ़ी आएगी आई थिंक। हमको यहाँ पे मिली है ठंडी पानी की बॉटल, इसके अंदर भी कुछ कुछ है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ट्रेन वाला सीन इसमें भी है, हमें यहाँ पे मिला है मिल्क पाउडर, हमें मिली है शुगर जिसमें लिखा हुआ है एयर इंडिया। इसके अलावा कप देखो, ये कप जो है इकोनॉमी वाला दिया, आई थिंक बिजनेसमैन लोग कटलरी देते होंगे आई थिंक, जैसे फर्स्ट क्लास में देते हैं। फिलहाल तो यही है, इसको टेस्ट करता हूँ मैं एक बार ये कैसा है। काफ़ी गर्म है, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी गर्म है, टेस्ट तो है बॉस। कटलरी वगैरह भी दिए देखो, प्रॉपर कटलरी दी है, इसमें लिखा हुआ है। छोले खा के देखते हैं छोले कैसे हैं, इसको गर्म करके लाए हैं लोग अंदर से, तो छोले टेस्ट करते हैं छोले कैसे हैं। छोले बहुत बढ़िया हैं बॉस, बहुत बढ़िया है छोले ठीक है, मज़ेदार है। छोलों को आई वुड गिव 9.5/10, इसको आई वुड गिव 9/10। थोड़े से पुराने लग रहे हैं मुझे, मतलब सुबह बने होंगे यार ऑफकोर्स। और इसको एक बार रेट कर लेते हैं, ये सैंडविच को देख लेते हैं एक बार, ये है वेज, आई थिंक वेज सैंडविच है, वेज चीज़ सैंडविच, चीज़ है मेयो है पता नहीं, खा कर देखता हूँ। ये चीज़ एंड मेयो सैंडविच मिक्स है आई थिंक सो, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी डिसेंट। ओवरऑल आई वुड गिव अराउंड 9/10। ओवरऑल खाना काफ़ी बढ़िया लग रहा है, चाय का वेट कर रहे हैं, एंड आई वुड हैव टी, केक बढ़िया लग रहा है। इनको मैंने ब्राउनी देते हुए देखा पीछे यार, ब्राउनी मैंने बोला कि ब्राउनी है तो दे दो, कहते हैं कि नहीं हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने देखा है किसी को देते हुए, झूठ बोल रहे हैं। आई एम डन विद द लंच, मैंने इसको अलग रख दिया है, और एक्स्ट्रा मिल्क पाउडर मंगाऊंगा एज यूजुअल। अब आप बोलोगे भाई तू फ्लाइट पे भी नहीं छोड़ता, तो गाइस यार देखो इस एक में ना होता नहीं है कुछ भी, मतलब ऐसा लगता है पानी पी रहे हैं, तो वो ना फीलिंग चाहिए यार, चाय पियो तो अच्छे से पियो, इसीलिए उनको बोलता हूँ एक्स्ट्रा मिल्क पाउडर देते हैं। तो ये है स्ट्रॉबेरी केक, बहुत ही अच्छा है, 9.5/10, तो आपको शुगर फ्री भी मिल जाएगी, मिल्क पाउडर के पीछे लिखा हुआ है स्पेशली मेड फॉर एयर इंडिया। ट्रेन में भी ना फर्स्ट क्लास में शुगर फ्री का ऑप्शन होना चाहिए, काफ़ी बढ़िया होता है, लोग मुझ जैसे तो पक्का यही यूज़ करेंगे अंडिकॉर से। अच्छा होता क्या ना, इसको ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत ही पड़ती है, मतलब आप सालों और मिक्स हो जाती है, जो ये वाली है ना दूसरी वाली नॉर्मल वाली, इसको सारा मिक्स करते रहो जल्दी मिक्स भी नहीं होती। ये दूसरा अटैम्प्ट है एक्चुअली, दूसरे अटैम्प्ट में वी आर फाइनली लैंडेड।
फाइनली वी हैव रीच दिल्ली भाई, डिब्रूगढ़ से दिल्ली 5.5-6 घंटे लग गए और अभी टाइम देखो लगभग अराउंड 1:16 हो रहा है। ये आदत है जो बेल्ट नंबर होता है ना, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, याद करता हूँ, पैसेंजर से पूछता हूँ, अभी याद आया 3 है, वैसे मैं भूल जाता हूँ। अरे आजा चाचा, आ जाओ बाहर। नहीं मेरा नहीं है यार, मेरे जैसा दिख रहा है यार, किसी और का ले जाता, सेम डिक्टो लगेज है मेरा भी। फाइनली आई रीच दिल्ली, सामान वामान आ गया है मेरा, अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, वहाँ से निकल जाऊँगा चंडीगढ़। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, सपोर्ट करना अपने भाई को, एंड कमेंट करके बताना कि वो जो धुआं निकल रहा था वो एक्चुअल में क्या होता है, कमेंट करके बताना। ऑल्सो आपका पहला एक्सपीरियंस एयर इंडिया में कैसा था, या फिर आपकी लाइफ का पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस अगर आपने कभी भी बहुत पहले किया हो, 4 साल 10 साल 15 साल पहले, तो मुझे कमेंट करके बता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।